छोटा सा छोटी सी आशा, इसी आशा से तामीर किया प्रज्ञा फाउंडेशन ने साउंड ऑफ होप। इसके बारे में आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जाएगा साउंड ऑफ होप है क्या। लेकिन एक जो खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि तकरीबन दुनिया के हर कोने में, हर मजहब में ये 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आज हफ्ते का 7वां दिन भी है, हिंदी के हिसाब से 7 दिन होते हैं हफ्ते में। बाइबल में लिखा है कि गॉड ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन रेस्ट किया, आज संडे के दिन। ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं 7 बजे, क्योंकि हम सब के लिए, कईयों के लिए है लकी 7। कहते हैं काबा में जो तवाफ करते हैं वो भी 7 बार करते हैं। और मेरे दोस्तों ने याद दिलाया, जब शादी होती है तो फेरे भी 7 लगाते हैं। तो 7 वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 समंदर है, 7 सुर है, और विपगोर को याद करें तो 7 रंग है। और जब 7ों रंग एक साथ मिलते हैं तो बनता है वाइट रंग, एंड दैट डिनोट्स द कोट ऑफ द डॉक्टर्स। वाइट कोट सिंड्रोम भी होता है। तो ये जो आज की जो महफिल है इसमें 7 अजूबे डॉक्टर्स, 7 अजूबे इस दुनिया है, प्रज्ञा फाउंडेशन में भी आज 7 अजूबे डॉक्टर्स हैं जो हम सबको इस जर्नी में आगे ले चलेंगे। साउंड ऑफ होप एक उम्मीद की किरण दिखाएंगे, और इसके लिए हम बुलाएंगे एक अपने खास दोस्त पद्मश्री डॉक्टर यश। आपका स्वागत है यहाँ पे। इनका जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अभी देता हूँ, डिटेल बाद में बताएंगे। ये वो शख्स हैं जो घुटने पे भी ना चल पाए उसका नी सर्जरी करके वो खड़ा कर देते हैं पैरों पर। तो एक जोरदार तालियां हमारे आज के एंकर डॉक्टर यश गुलाटी के लिए, और आगे आपको ये बहुत बहुत बताएंगे। बजाते तो सैक्सोफोन है लेकिन हम कहते हैं ही ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। ओके यश, ओवर टू यू। हियर कि अपनी के करो, बुराई करने को तो जमाना है, बुराई करने को जमाना है, तो अपनी तारीफ जम के करो। यस, सही बात है, अपनी तारीफ जम के करो। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। देखिए, नोबेल लॉरेट मलाला यूसुफ़ज़ई वंस सेड दैट आई रेज माय वॉइस नॉट सो दैट आई कैन शाउट बट सो दैट दोज विदाउट वॉइस कैन बी हर्ड। वी कैन नॉट सक्सीड व्हेन हाफ ऑफ अस आर हेल्ड बैक। दैट सम्स अप द सिचुएशन ऑफ girl child in many Asian countries and unfortunately in many parts of our country also. हमारे पड़ोसी देशों में जो हो रहा है उसे देखकर यदि हमारी रूह नहीं कांपती और हम अपनी बच्चियों को पढ़ाकर उनका सशक्तिकरण नहीं करते तो एक दिन हमारा भी यही हश्र हो सकता है। As Norway's Prime Minister Eva Solberg said, when you invest in a girl education, she feeds herself, her children, her community, and the whole nation. Educating one girl impacts one whole generation. और ये सच है कि रोशनी मेरी बहुत दूर तलक जाएगी, शर्त ये है कि सलीके से जलाओ मुझको। पढ़ लिखने के बाद ही हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं ये कह पाएंगी कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो आइए आज इसे अचीव करने के लिए हम प्रेयर करते हैं। आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्में दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोजे मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं, जिनकी आंखों को रुखे सुबह का यारा भी नहीं, जिनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर कर दें, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों में कोई राह उजागर कर दें। प्रज्ञा फाउंडेशन ने मज़लूम बच्चियों को पढ़ाकर उन्हें सशक्त करने की जो मुहिम छेड़ी है, आइए हम सब मिलकर उनका हाथ बटाएं। तो आज की इस शाम में हमने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट किया है कि हमने कुछ मेडिकोज को यहां बुलाया है, दोज हु हैव नॉट ओनली एक्सेल्ड इन देयर ओन फील्ड बट ऑल्सो आर वेडेड
टू म्यूजिक। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा नूपुर एंड श्रीधर। नूपुर और श्रीधर एक डेंटिस्ट कपल हैं और इनको काफी सारे इन्होंने लेक्चर दिए, पब्लिकेशन दिए, दे आर रिकग्नाइज्ड, दैट इज व्हाई दे आर हियर इन दिस कंपनी। और ऐसा है कि श्रीधर एक फिटनेस फ्रीक है, ये लोगों के दांत और अपनी बॉडी को फिट रखना इनका शौक है। तो इनसे हम आज शुरुआत करते हैं कि जो भी काम अच्छा करना है आज ही कर लो, ना जाने कल हो ना हो। हेलो, नमस्कार सबको। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समाना हो ना हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई नहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम दो, वो दास्तां कल हो ना हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समान कल हो ना हो। जो है समाना
हो न हो हर पल जी भर जियो जो है समान कल हो न हो। थैंक यू एवरीवन। नूपुर एंड श्रीधर, ये बात तो बिल्कुल सही है और जो जिस दौर से हम गुजरे हैं उसमें तो बिल्कुल ठीक है कि जब कोरोना का कहर चल रहा था तो हर कोई यही कहता था कि कल हो ना हो, तो उस वक्त भी बहुत लोगों को दिक्कतें आई। तो देखो दांत की तो ऐसी कई बार इमरजेंसी हो जाती है कि कोई कुछ कर नहीं पाता, तो उस दौर में जिनको दांत में बहुत दर्द हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो उस समय आपने क्या किया और क्या वो सेफ था, और आज के दौर में जब फॉर्चुनेटली कोरोना कम हो गया है, कह नहीं सकते कि दोबारा आएगी कि नहीं, बार बार हम यही कह रहे हैं कि सारी सावधानियां जो पहले ले रहे थे वो लेते रहनी है क्योंकि सावधानी हटी और तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए अभी जो दौर है या पहले था, तो आप लोगों को क्या एडवाइस देंगे जिनको डेंटल प्रॉब्लम है वो क्या करें, कोई प्रोसीजर की जरूरत है तो करें, तो आप क्या प्रिकॉशन उसके लिए ले रहे हैं प्लीज बताएं। सर अब बिल्कुल भी बिल्कुल सेफ हो गया है, पीपल कैन कम टू डेंटल क्लिनिक्स, ऑल द प्रोटोकॉल्स दैट हैव बीन लेड अहेड आर बीइंग फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स, वी आर ऑल टेकिंग प्रिकॉशंस एंड लकीली फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ अस हैव रिसीव्ड आवर वैक्सीनेशंस आल्सो एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स हैव आल्सो रिसीव्ड, सो आई थिंक इट इज नाउ परफेक्टली सेफ टू विजिट अ डेंटल क्लिनिक। ऑफ कोर्स द प्रिकॉशंस एंड द सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग अ मास्क and washing hands and all those things are still in place, but it is absolutely safe to visit a dental clinic. देखिए कई बच्चों के अभी वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, कईयों का एक हुआ दूसरा नहीं हुआ, तो उस दौर में जैसे आपने जो एरोसोल प्रोड्यूसिंग प्रोसीजर थे कम कर दिए थे या कुछ और मॉडिफिकेशन की थी, तो क्या वो मॉडिफिकेशन अभी भी चल रही हैं या वो आप समाप्त हो गई वो वाले? जी हाँ, हम अभी भी सारे मॉडिफिकेशन और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ रोज़ एंड नन ऑफ देम आर वैक्सीनेटेड, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि हम कोई भी प्रोटोकॉल को ब्रेक ना करें, हम सब कुछ फॉलो करें एंड एट द सेम टाइम पेशेंट से भी फीडबैक लेते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने का, रीअश्योर करने का हमारे नाज़रीन को कि कोई घबराए नहीं, कोई दांत में प्रॉब्लम है तो अब अपने आसपास के डेंटिस्ट के पास जा सकती हैं। डॉक्टर नूपुर भी हैं, हंस रही हैं, देखिए दांत आपके बहुत सुंदर, आपने अच्छे बना के रखे, तो सब ऐसे दांत बनवा सकते हैं आप कोशिश करें तो। तो मैंने एक स्टोरी सुनी है कि श्रीधर आपसे पूछ रहे थे कि बार बार तुम मुझे ये कहती रहती हो कि मैं सातों जन्म तुमसे शादी करूंगी, तो उसकी क्या स्टोरी है? तो बाद में मैंने इनसे पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि बड़ी मुश्किल से इस जन्म में इस आदमी को सुधारा है, मैं बार बार ये कोशिश अगले जन्म में नहीं कर सकती तो इसी से शादी करूंगी, तो ट्रेंड बंदा आएगा। तो इसी के ऊपर है कि ये कह रही कि तुझसे पहले से कोई नाता है मेरा, तो ये वही का वही है, अगले जन्म में भी यही गाना गाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया सर। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या मानना,
मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। देखो कभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। पहले भी मैं तुम्हें बाहों में लेके झूमा किया और घूमा किया, जाने दू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने। नाज़रीन, अब मैं आपका तारुफ़ करा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से। जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो सबसे पहली क्लास होती है एनाटॉमी की, और वो क्लास हमारी ली डॉक्टर मंजूमणि ने। डॉक्टर मंजूमणि आप प्लीज़ आएं। तो फिर डॉक्टर मंजूमणि ने चलते चलते अपना गियर बदल लिया और पहले गियर से फोर्थ गियर में आ गई, और कार्डियक एनेस्थीसिया में पता नहीं कितनी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली और एक वेल नोन कार्डियक एनेस्थेटिस्ट बन गई। और इनके पति गणेश मणि हमारे सीनियर थे कॉलेज में, 20,000 से ज़्यादा कार्डियक सर्जरी कर चुके हैं, और न केवल एडल्ट बल्कि बच्चों में भी कार्डियक सर्जरी करते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो दोनों में करते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा सब स्पेशलाइजेशन का रिवाज हो रहा है, लेकिन आप दोनों का करते हैं। तो ऐसा है कि थोड़ा धड़कनों को भी आने जाने का रास्ता दीजिए। आप हैं कि पूरे दिल पे कब्जा जमाए बैठे हैं, जब जो क्लॉट हैं वो जम जाते हैं हार्ट के अंदर, आर्टरी के अंदर। तो डॉक्टर मणि यही कहते हैं कि जरा हटिए, रास्ता दीजिए, और उसके अंदर जाके ये बीटिंग हार्ट पे ही रास्ता बना देते हैं। तो डॉक्टर मणि और डॉक्टर मंजू, आपका बहुत स्वागत है। तो आपसे ये पहला गाना हम शुरू करते हैं कि कहां तक ये मन के अंधेरे चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, भले तेज कितना हो हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा,
मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल फिर से डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। थैंक यू। तो आप तो इतना खूबसूरत गाते हैं, जितना अच्छा आप ऑपरेट करते हैं उतना ही अच्छा गाते हैं आप, मुबारक। कि शम्मा बुझ जाए तो फिर से जल सकती है, कश्ती दरे तूफान से निकल सकती है, गम न कर अपना इरादा न बदल, किस्मत किसी वक्त बदल सकती है। तो आज का जो दौर निकला उसको सोचते हुए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट लाइन है, इसलिए गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कंपोजिशन बाय जानिसार अख्तर फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड सुशीला, एंड दिस इज एक्चुअली अ डायलॉग बिटवीन टू म्यूजिकल स्टालवर्ट्स, तलत महमूद एंड Muhammad Rafi. So I'll start with the complaint that Talat says. Dard hai saari zindagi jiska koi gila nahi, dil ko fareb dijiye और ये हौसला नहीं, और ये हौसला नहीं। Then Rafi साहब replies, खुद से तो बहुमान हो, खुद पे तो एतबार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। गम की अंधेरी रात में। डॉक्टर मनी, आपने इतने सारे लोगों के हार्ट के ऑपरेशन किए, बड़ों के, बच्चों के, तो ये बच्चों का जब आप करते हैं तो उसमें क्या अंतर पाते हैं? बच्चों का ऑपरेशन बड़ों का ऑपरेशन से ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। वी हैव टू स्पेशलाइज। आई स्पेशलाइज्ड इन चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी इन मेलबर्न, एंड उसके बाद में बच्चों का ऑपरेशन करता हूँ। और ये रोटरी का एक, आई एम अ रोटेरियन ऑल्सो, रोटरी का एक गिफ्ट ऑफ लाइफ प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों ने काफ़ी बच्चों का ऑपरेशन किया है। इसमें छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ढूंढ निकालते हैं इन स्कूल आउटरीच प्रोग्राम्स
and also we conduct camps, heart check camps, and then we find that the children have born with a hole in their heart or blue baby. And sometimes if we don't operate them and they reach adult life, then they become inoperable. So it is very important to operate on these children when they are very young. And that is a different technology altogether. And that is where Dr. Manju also specializes in pediatric anesthesia, which has made things so much safer. Dr. Manju, jab aap bachchon ko cardiac anesthesia deti hain, to usme kya bahut zyada koi alag saavdhaniyan baratni padti hain ya ज़्यादा फर्क नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा है, 1990 से पहले जब हम लोगों को ज़्यादा समझ नहीं थी बच्चों के एनेस्थीजिया के बारे में, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी. तो आज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ऑल्सो बेटर इक्विपमेंट इज अवेलेबल, दवाइयाँ मोर मॉडर्न है लाइक एंटीबायोटिक्स, इन सब के समझ को मिलाकर सब, तो अब काफ़ी सेफ हो गया है बच्चों का ऑपरेशन. तो आपको लगता है कि सोसाइटी में अवेयरनेस है कि बच्चों की जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं, जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली कई इसी ऐसे रोग से पैदा होते हैं जो कि ठीक किए जा सकते हैं, तो आपको लगता है कि सोसाइटी में उसकी अवेयरनेस है, तो उसके लिए भी आप लोग, मैंने सुना, कुछ काम कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कैंप्स करते हैं उसी में, एंड वी गिव अ लेक्चर ऑल्सो. उस लेक्चर में हम समझाते हैं कि ये इतनी मुश्किल बात नहीं है, और बिकॉज गिफ्ट ऑफ लाइफ में फ्री ऑपरेशन होता है, तो दैट अपॉर्चुनिटी में. ये तो बहुत अच्छी बात है, ये सारी सारे माशरे को पता होना चाहिए कि एक ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और किसी के बच्चे को, किसी आपके सर्वेंट को या किसी गरीब आदमी के किसी बच्चे को लगता है कि दिल की कोई प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो आप संपर्क कर सकते हैं और उनका मुफ्त इलाज हो सकता है. तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ये बात बताने के लिए. हम लोगों को भी बहुत सेटिस्फेक्शन. हाँ, ये तो मतलब इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी, ये तो वाकई एक गिफ्ट ऑफ लाइफ है जो आप किसी बच्चे को दे सकते हैं. बिकॉज़ ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद. क्या बात है, ये तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात बताई, मेरा मन खुश हो गया ये बात सुन के. जो किए हुए कई पेशेंट्स आज डॉक्टर, इंजीनियर, एक तो साउंड इंजीनियर बन गया, उसका बड़ा साउंड स्टूडियो भी है बॉम्बे में. So we feel. Is he blowing your trumpet? No, he's blowing. He's going to blow your trumpet. So it is very satisfying because unlike other palliative surgeries, like bypass surgery is a palliative surgery, whereas congenital heart surgery, बिल्कुल बच्चे ठीक हो जाते हैं and they become normal children. Many of them are active citizens, running corporates and doing good contribution to the country. तो कोरोना के दौर में भी अब देखो, हार्ट अटैक तो जिसको होना था हुआ, जिसको हार्ट की सर्जरी चाहिए थी तो चाहिए थी, तो उसमें आपको क्या लगा कि कुछ आप लोग कर पाए उस वक्त, या उस समय आपके भी हाथ बंद गए थे? नहीं, वी टुक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस. सो हैपेंस दैट मंजू इज आल्सो द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ मैक्स स्मार्ट. तो मंजू बताओ व्हाट ऑल योर प्रिकॉशंस. द हॉस्पिटल टुक ऑल मेजर्स to ensure safety both to patients as well as to the staff. काफ़ी सारे infrastructural changes किए हमने ताकि we could isolate and separate the COVID patients, and the normal patients who were coming, they could be operated. एक और चीज़ मैक्स में की थी कि एक अस्पताल को COVID बना दिया और एक अस्पताल नॉन COVID था, तो उसमें हम लोग सारे. तो आप क्या प्रज्ञा फाउंडेशन की भी कुछ हेल्प ले रहे हैं इसके अंदर, जो बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप इनसे भी काफ़ी जुड़े हुए हैं कई वर्षों से? हाँ, नहीं, वी वांट एस्पेशली द गर्ल चाइल्ड. आई मीन, इट इज़ माय गुड फॉर्च्यून दैट मेनी टाइम्स द पेरेंट्स डोंट कम फॉरवर्ड टू गेट द गर्ल चाइल्ड ऑपरेटेड. आई गिव देम लॉट ऑफ करेज एंड वी सेड दैट वी विल डू इट फ्री फॉर यू, एंड दैट इज हाउ वी हैव डन अ लॉट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन. वेरी गुड, मुबारक हो. तो आपकी बात सुन के मुझे वो फिल्म ताल का एक डायलॉग याद आ रहा है कि ये बात सुन के मेरा खून अब दुगनी गति से दौड़ रहा है. तो ये बात सुन के मुझे तो मेरे को ये सुन के एक रामधारी सिंह दिनकर की भी एक बड़ी जोशीली लाइनें याद आ गई कि हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा, हो समय कितना भी भारी,
हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। इन बच्चों को हम सब मिलके ठीक कर सकते हैं, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। तो ये बात बिल्कुल मुझे, ये इसके साथ एक गाना और याद आ रहा है जो फॉर्चुनेटली आप भी गाने वाले हैं, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, कि ये सब अगर हम एफर्ट करते रहेंगे तो वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। You know, when the situation is very depressing, often you tend to sing. In kali sadiyon ke sar se jab raat ka aanchal dhalkega, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। थैंक यू डॉक्टर गणेश एंड डॉक्टर मंजू, इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। हम आपको जाने नहीं देंगे और आप यहीं रुके रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर बुलाएंगे। अब मैं आपको आमंत्रित मिलवा रहा हूं और आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े प्यारे मित्र डॉक्टर सुब्रमण्यम और ललिता सुब्रमण्यम, LILITHA, डोंट राइट विदाउट एच, ये मद्रासी ट्रेड है। ललिता हर ता को ये टी एच लिखती है, so but you write TH always, but it's okay, it's fine. So देखिए, डॉक्टर सुब्रा पेशे से यूरोलॉजिस्ट है, वेरी वेल नोन यूरोलॉजिस्ट इन द सिटी। नॉट ओनली इज अ यूरोलॉजिस्ट ड्यूरिंग कोरोना टाइम, ही ऑल्सो वॉज अवर मेडिकल डायरेक्टर एट अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, एंड ही पायनियर्ड मैनी मैनी प्रोटोकॉल्स SOPs विच हेल्प्ड अस फाइट कोरोना, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से दैट आवर रिजल्ट्स वर वेरी वेरी गुड। और उस दौर में भी हम अपने बाकी ऑपरेशन वगैरह करते रहे, बाकी मरीज भी आते रहे, और ललिता तो ICU में ड्यूटी कर रही थी और इधर उधर सब कोरोना के मरीजों को देख रही थी, तो बड़ा ही दुख भरा और बड़ा ही रंज भरा वो दौर था, और बड़ा मुश्किल दौर था वह, लेकिन हम सब ने मिलके और देश के लोगों ने मिलके और ठीक लीडरशिप लेके अभी तक तो हम निकल गए हैं। उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी, या आई भी तो हल्की आएगी। तो सुब्रा, ये बताओ कि जब आप लीड कर रहे थे अपोलो में कोरोना के विरुद्ध ये जो जंग थी, तो आपका क्या कुछ संस्मरण है उसके बारे में? देखो, कोविड का जो मैनेजमेंट जो था, दिस वॉज नॉट प्योरली मेडिकल। इसमें आप देखिए, राइट फ्रॉम हॉस्पिटल सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फूड एंड बेवरेज, एवरीबडी हैड अ बिग रोल टू प्ले, माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स, द लेबोरेटरी, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द पार्टनरशिप, all these people work together as one team under the leadership of the MD of the hospital. Plus isme aap dekhiye, there was a partnership not only of the hospital staff, it is a partnership between the hospital,
the government, the public, including the police, including the sanitary workers, and every individual. So I think our success has depended on everybody participating. I think we as Indians can be very proud कि अभी रिसेंटली हमने एक दिन में पूरे ऑस्ट्रेलिया जितनी पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन एक दिन में इस देश में हुआ, तो ये एक बहुत अजूबा है, बाकी लोग सोच नहीं सकते इसके बारे में भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। जब ये पहले लोग सोच रहे थे कैसे भारतवर्ष में बचेंगे, कैसे इतनी वैक्सीनेशन लगेंगी, कहाँ से आएंगी, तो देखिए भारतवर्ष में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, एक बार हम अपना मन बना लें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे आगे बढ़ते हैं, सुब्रा एंड ललिता, आप लोग प्रज्ञा फाउंडेशन से भी काफ़ी जुड़े रहे, आप प्रोफेशनल्स भी हैं, आप म्यूजिक में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये व्हाट इज दिस कनेक्ट विद प्रज्ञा? माय कनेक्ट विद प्रज्ञा इज नॉट जस्ट प्रज्ञा, बट माय कनेक्ट इज विद एनीवेयर वेयर चिल्ड्रंस एजुकेशन इज गिवन इम्पॉर्टेंस एंड सो इज आर यू नो गर्ल चिल्ड्रन गिवन इम्पॉर्टेंस एंड आई फील थैंकफुल दैट माई पेरेंट्स एजुकेटेड ऑल ऑफ अस, ऑल थ्री गर्ल्स वी वर एंड वी वर ऑल एजुकेटेड एट पार विद वॉट माई ब्रदर्स बीन एजुकेटेड एंड वी स्टैंड ऑन आर ओन, सो आई फील एवरी वुमन शुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज योर कनेक्ट विद प्रज्ञा? Again, taking it a little forward, I don't know if you remember, this morning was the polio NID this morning. You know, we as proud Indians, we have had India polio free for 10 years. It's because each individual volunteer and the governments, you know, every Anganwadi worker, every ANM anywhere in the system has made sure that the children got do bund, and that's how we are there today. Coming to this thing of the connect, so unless we are able to get these healthy citizens, as Ganesh said, you operate these babies, they grow up to be completely normal, productive individuals. And similarly, we have these children who are not maimed for life. Coming to the music and things, I'm just reminded of, I don't know if you remember, there was a movie called Shabab almost 70 years ago, where Hemant Saab wrote these very interesting lines. I just want to sing it for you. Sure. Irshad. संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राग, ओ रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। क्या बात है, क्या बात है, आपकी इस लाइन से मुझे वो एक शेर याद आ गया कि उसने जलती हुई पेशानी पर जब हाथ रखा रूह तक आ गई तासीर मसीही की। तो ये सो आई मीन सी इफ यू ट्रस्ट योर फिजिशियन योर डॉक्टर, इफ द रिलेशनशिप इज गुड एंड यू नो यू ट्रस्ट योर पायलट व्हेन इज फ्लाइंग द प्लेन, so I will implore my patients that they should trust their doctor, and I'll also request all the doctors that you should become worthy of the trust. That is extremely important. And there are, and you know this song as it goes forward. That's right. So yeah, let's listen to this song for you know. So it's me in the entirety. Yeah, I think you'll probably connect with that very nicely. Yeah. ओ चंदन का पलना रेशम की डोरी झूला झूलाओ बिंदिया कतोरी, चंदन का पलना रेशम की डोरी झूला झूलाओ तोरी चंदन का पलना। It connects so beautifully with, you know, we all know the need to have a good sleep as well. Subra, I can't let you go without taking advice about your specialty. So you see, with growing age, many. I've seen people, you know, sometimes they find it difficult to urinate, sometimes they have retention, sometimes they have overflow. And often when we talk about it, people just talk about prostate in men.
but this problem also happens in women. So what are your thoughts as to how, in very short brief, just tell us a little bit about it and how to manage it in an emergency and in the long term? You see, like you said, urology deals with every segment relating to the urinary system. And about 40% of my work would work relating to the cancers of the urinary organs. Because men are living longer today and people live a better quality life, urinary problems are very common. So it's important that men over the age of 50 or 55, even before symptoms begin, we recommend they should routinely undergo a check. Particularly if they were to get up more than once or twice in the night, if they find that they are unable to control the urination, or if they find they are going more frequently, or the flow of the urine is restricted, etc., they certainly should seek help. Similarly, when you say women after menopause, again have similar problems. Women don't have a prostate. However, because of the hormonal changes, they become more prone to urinary tract infections, inability to control urine, leakage of urine with cough or sneeze or a stress. So the important part is almost all of these are completely treatable, effectively treatable, giving you good quality life. In addition to that, you also manage to pick up many early cancers which are curable. So it's very important to prevent disease, and where you can't prevent the disease, create an awareness for an early diagnosis and a successful treatment. So again, I think awareness programs, talking about it, and awareness about what is possible, and maybe health checks, etc., may be helpful in diagnosing things early. I think the health checks, as you said very importantly, are the ones which pick up the biggest challenge the globe is going through. The non-communicable diseases, as Ganesh was talking about the cardiac, if you look at, we are the diabetic capital of the world. Now, looking at diabetes, hypertension, chronic pulmonary diseases, cancers, heart disease, and the strokes, it is at this point in time, almost 70% of people dying in the world today are from NCDs. And the sad thing is, about a third of these are under 59 years of age. Correct. And it's going to cost the world a whopping $20 odd trillion. Right. To deal with these. So prevention is going to be very important. You know, I read a very interesting stat the other day. It was in the paper that only about 8% of populations live beyond 65 years of age. It's amazing stat. I never realized. So those who are above 65 should be very lucky. So this is amazing. I never realized that this is actually true, you know. तो आगे बढ़ते हैं. देखिए, कुछ लोग सोते हैं वो सपने लेने के लिए, लेकिन कुछ लोगों के सपने इतने स्ट्रांग होते हैं, वो इतना अचीव करने चाहते हैं कि उनको वो सोने नहीं देते वो सपने. लेकिन जब आप जिंदगी में सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जैसे सुब्रा आपने, ललिता आपने अचीव कर लिया, तो फिर जब आप सोते हैं तो आपकी नींद में क्या आता है? तो ये गा के बता रही हैं और ये यही कह रही हैं, ये बिल्कुल टिपिकल इंडियन वूमन, मेरे सपनों में तुम. सच बताना, लेकिन गाने के लिए गाना बता दूंगी बाकी बाद में. मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके गम तुम्हारी मोहब्बत में गुम. मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम. मन की बीना की धुन तू मलम्मा जी सुन, मेरे नजरों ने तुझको लिया आज चुन. मन की बीना की धुन तू मलम्मा जी सुन, मेरे नजरों ने तुझको लिया आज चुन. मन की बीना की धुन तू मलम्मा जी सुन. मेरी हर नजर है तेरी दास्तां, मेरी
दिल की बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारे तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। कहो क्या तेरे प्यार में खो गए। रात गाने लगी, गुनगुनाने लगी, नींद छाने लगी। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरे नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। थैंक यू वेरी मच। You know, this is unique in a way. This is one of the very unusual combinations of Kishore Kumar and Shamshad Begum. A very unusual combination. And I'll tell the best. Absolutely. Thank you. Amazing, beautiful performance, Subhra sir, Lalita ma'am. बिल्कुल नशीला हो गया माहौल। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, जी हाँ मैं जानती हूँ, आप अपने टैलेंटेड सूत्रधार को बहुत मिस कर रहे हैं। आप यकीन मानिए इनकी इतनी मज़ेदार लच्छेदार बातों के हम सभी कायल हैं, लेकिन ये उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मैं कैसे हाथ से जाने देती। तो आइए हम बात करते हैं पद्मश्री डॉक्टर यश गुलाटी की। डॉक्टर गुलाटी इज अ सीनियर कंसल्टेंट, joint replacement sports and spine orthopedic surgeon with Apollo Hospitals. He is a medical graduate from the Maulana Azad Medical College and he has passed the degree with distinction in preventive and social medicine, after which he secured his MS in orthopedics in the same institution. He went to obtain MCH in orthopedics from the University of Liverpool and completed an advanced diploma in sports medicine from the Royal College of Surgeons in Ireland, Dublin. He joined in Indraprastha Apollo Hospital after being in very, very prestigious big hospitals and doing amazing work. Phew. Lekin, raaz ki baat ye hai ki Dr. Gulati sirf ek behad kabil orthopedic surgeon hi nahi, ek bahut hi talented kalakar hai. Yaron ke yaar aur mehfilon ki shaan. Yahi nahi, he is also an amazing saxophone player. मैं गुजारिश करूंगी डॉक्टर यश गुलाटी से कि वो हम सबको अपना कोई फेवरेट म्यूजिक पीस सैक्सोफोन पर बजाकर सुनाए। ओवर टू डॉक्टर गुलाटी। एक्चुअली ये सैक्सोफोन जो है ये कोरोना की देन है। ये मैंने जुलाई 2020 में पहली बारी उठाया, तो तभी मैंने थोड़ा सीखना शुरू किया है, तो आपको जितना मुझे आता है मैं सुना देता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ कोरोना की देन। Thank you.
अमेजिंग अमेजिंग, ऐसी कोरोना की ऐसी देन, वाह वाह वाह, काश सभी को मिल जाती। तो यश सर, आपसे कुछ रूबरू हो जाए, कुछ सवाल पूछ ले। आपने सबसे सवाल पूछे, अब आप मैं डरता हूँ, मैडम बैठी वाइवा लेती थी मेरा। नहीं वो तो मैम वो एनाटॉमी की, वो पता नहीं कौन कौन सी नर्व हो या गॉड। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, पुरानी यादें ताज़ा हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अभी रिसेंटली प्रज्ञा फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप कैसे आपको लग रहा है? देखिए मेरा ये बहुत ही मानना है कि ये जो मेरी मदर थी ना, मुझे ये कहती थी कि तुम जस्ट बिकॉज तुम लड़के हो ये मत समझना कि तुम्हें कोई प्रेफरेंस मिलेगी। हमारे घर में मुझे कभी प्रेफरेंस नहीं दी गई, बल्कि हमारी बहनों को प्रेफरेंस दी जाती थी। और मैं हमेशा यही मानता हूँ कि ईश्वर ने दोनों को, सेक्स को बराबर बनाया है, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन जस्टिफाइड नहीं है नेचर वाइज। लेकिन ज़िंदगी का ये एक सच है और हमें मानना पड़ेगा कि आज भी दुनिया में बहुत ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे औरत को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। आप अपने से थोड़ी दूर 400-500 मील दूरी देख लो कि सारे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, आप कपड़े में रहो और उसके बाहर जाओ तो मर्द के साथ जाओ, आपकी पढ़ाई बंद। तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ, किस तरह से आप एक इंसान को ऐसे दबा सकते हैं? तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम अपने बॉयज़ को प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे कि वो गर्ल्स के साथ, देखिए कि जो एक, देखो नेचर ने एक चीज़ बनाई है कि मैन को स्ट्रेंथ ज़्यादा दी, मेल सेक्स को, सारी एनिमल किंगडम में ज़्यादा उन्होंने स्ट्रेंथ दी है, फीमेल को ब्यूटी ज़्यादा दी, फीमेल को कुछ एक्स्ट्रा दिए, कुछ डिस्टिंक्शन हमको रखना है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप अपने से जो फिजिकली कमज़ोर है उसको दबा दें, ये तो कोई बात नहीं बनी। तो हर आदमी में, हर औरत में कुछ अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों जब मिल के चलेंगे तो दुनिया और खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन ये बात पक्की है कि दोनों बराबर हैं। मेरी बेटी को अगर कोई कहे कि तुम ये नहीं कर सकती और ये लड़का कर सकता है, मैं कैसे मान जाऊंगा? आज मेरी बेटी ह्यूस्टन में एक इतनी बड़ी चाइल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट है टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अगर ये होता तो वह बैठी होती कहीं बर्तन मांज रही होती। तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। यही सोच सोच के मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा काम कर पाऊँगा इंशाल्लाह। और सर आपसे एक आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया जाए, वो एक बहुत कॉमन है, हम सबके पेरेंट्स उसी दौर से गुजर रहे हैं, तो कुछ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में शॉर्ट बताएं। देखिए नी रिप्लेसमेंट तो एक एंड स्टेज ऑपरेशन है, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे देखिए सिर्फ जो 2% लोगों को, अगर हम अगर फिगर देखें 55 ईयर से ऊपर जो लोग हैं जिनको नी आर्थराइटिस है, सिर्फ 2% लोगों को नी रिप्लेसमेंट चाहिए, बाकी सारे 98% बिना ऑपरेशन के मैनेज हो सकते हैं। वेट रिडक्शन, फिजियोथेरेपी, सम माइल्ड एनाल्जेसिक और थोड़ी कोई शू के अंदर मॉडिफिकेशन, वेज लगा के सब कर करके हो सकते हैं। वो 2% जिनको चाहिए, उसके लिए आज बहुत मॉडर्न टेक्निक्स अवेलेबल हैं, हम लोग कंप्यूटर के साथ करते हैं, आजकल बिल्कुल एक्यूरेसी है उसके अंदर, चल पड़ते हैं सब कुल। और अब तो एक नई चीज़ जो हमने शुरू करी है कि हम पूरा नी भी नहीं बदलते हैं, सिर्फ हाफ नी चेंज करते हैं, सिर्फ वो हिस्सा जो ख़राब है, तो जिसको हम पार्शियल नी ऑर्थोप्लास्टी बोलते हैं। और इतने वंडरफुल उसके रिजल्ट्स हैं, आप मान नहीं पाओगे। मैं किसी, अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े नेता का हमने रिसेंटली किया है और वो 3 हफ्ते के अंदर वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नीचे चल रहे हैं। हाँ। तो ऐसे कई लोगों का इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। तो लेकिन सर्जरी को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, सर्जरी तभी करनी चाहिए जब बिल्कुल ज़रूरत हो। अगर आप वहाँ करते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं थी या कम थी, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते। That is an eye opener. तो इज्जत के साथ सर्जरी को देखना हमेशा। Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you. अब मेरे को आप कैसे डांटोगे? आपका स्टूडेंट ठीक निकला वैसे, by the way. Amazing performance और बहुत अच्छी गुफ्तगु डॉक्टर गुलाटी के साथ। और गीत संगीत के संगीत के इस खूबसूरत सिलसिले को एक छोटा सा खूबसूरत मोड़ देते हैं और बात करते हैं उस शख्स की जिनकी मेहनत और जज्बे की वजह से ये हसीन महफिल आज जमी है, हमारे अपने डियरेस्ट मिस्टर आर के सिन्हा। आर के सिन्हा सर इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ प्रज्ञा फाउंडेशन, अ फेमिनिस्ट
and a media professional. He heads South Asian operations of EBU, providing broadcasting facilities and satellite connectivity to TV channels. He also is the executive secretary of National Environmental Science Academy. Throughout his school and college days, he has been very active and has won several awards for debate, elocution, singing and drama. He was conferred upon the highest honor of President Scout by the then President of India, His Excellency Shri V.V. Giri. Sinha sir ke credentials ki baat karne lagi to puri sham nikal jayegi aur aisa lagega ki main suraj ko diya dikha rahi hu. Unke liye jo respect aur emotions hum sabke dil mein hain, उन्हें मैं इन कुछ पंक्तियों के थ्रू आपसे कहना चाहूँगी. ये लाइंस मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत प्रेशियस हैं, क्योंकि इन्हें मेरी नानी ने लिखा था एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट पब्लिश्ड एनीवेयर. सो आर वी ऑन? Are we on? All right, great. थोड़ा सा ग्लिच तो हो ही जाता है, रुकावट के लिए खेद है, जैसे कि डॉक्टर गुलाटी कह रहे हैं. सो ये खूबसूरत लाइनें आई वुड वॉन्ट टू शेयर विथ यू. अविरत बढ़ने की चाह मुझे, बाधाओं दे दो राह मुझे, हो जाओ शांत सागर अथा लेने दो थोड़ी थाह मुझे, किश्ती के लंगर खोल दिए लहरों मुझे संबल दे दो. सिन्हा सर, आप और आपके ज़रिए से प्रज्ञा फाउंडेशन जो राह इन बच्चों के लिए बना रहे हैं, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है. इन नन्ही किश्तियों के जीवन में आशा और हिम्मत का जो लहर आप लेकर आए हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. मैं चाहूँगी कि आप प्रज्ञा फाउंडेशन के बारे में हमें और हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं. थैंक यू नूपुर, थैंक यू नूपुर, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स. You have described very well. In fact, we should talk more about our foundation, Pragya Foundation. और मेरे ख्याल से आप सारे दर्शकों को पता है कि ये 27 साल पुरानी संस्था है और इसके जो बड़े जाने माने हस्ती ट्रस्टीज रहे हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड जनरल खुराना भी इसके ट्रस्टी रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि उन लोगों ने मुझे इंडक्ट किया प्रज्ञा फाउंडेशन में और हमें मौका दिया, हमें सारे दोस्तों के साथ मिल करके इस जर्नी को हम आगे बढ़ा सकें. और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं और हर दिन प्रतिदिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं. इसीलिए यह संभव हुआ है कि आज की तारीख में 365 days a year वी आर एबल टू फीड द चिल्ड्रेन ऑल्सो अनइंटरप्टेड. इनफैक्ट ड्यूरिंग कोविड टाइम ऑल्सो वी नेवर क्लोज्ड आवर ऑपरेशंस. गवर्नमेंट वॉज काइंड इनफ टू अलाउ अस टू वर्क अनइंटरप्टेड. ये तो कुछ सारी चीज़ें हैं. मेन ऑब्जेक्टिव ये है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो. सो वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, वॉट एवर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट सो दैट दे कैन स्टडी. उनको अगर स्कॉलरशिप चाहिए, इनफैक्ट अभी कई लड़कियों ने बाबा रामदेव के यहाँ से योगा में एमए भी कर लिया है, नर्सिंग कॉलेज में भी उन्हें एडमिशन दिलाया है. ये सब कुछ चीज़ें हैं कि उन्हें उनकी जो प्रतिभा है उनका निखार हो सके, वो पैसों की वजह से या गाइडेंस की वजह से उनका करियर ब्लॉक ना हो जाए, रुक ना जाए, यही हम लोगों की कोशिश रहती है. प्रोजेक्ट का नाम भी कोशिश है. ज़्यादा आप जानना चाहें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा www.prajnafoundation.in वेबसाइट पर जाएँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप फॉलो करें. यू विल स्टे अपडेटेड, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है. आप सबने शिव खेरा का नाम सुना हुआ है. 98 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी, यू कैन विन, और उसमें एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है. हम सभी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं. एक होता है विश्वास, एक होता है आत्मविश्वास, और एक होता है ओवर विश्वास. ओवर विश्वास शायद वो होता है जब हम ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधभक्त हो जाते हैं, वो शायद वो है. विश्वास रखना अच्छी चीज़ है, दूसरों में आत्मविश्वास पैदा कीजिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए. और जो कायनात हमें जो सिग्नल देती है उसको पहचानना भी चाहिए. तो उसमें एक स्टोरी है कि एक बहुत बड़ा भक्त है और ही इज़ फर्म बिलीवर
कि जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है, उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता है। तो एक बार आजकल कई जगह वो क्लाउड बस्ट हुए, बाढ़ आई, और उसके गांव में भी बाढ़ आ गई। तो जब बाढ़ आनी शुरू हुई, बारिश शुरू हुई, तो पड़ोसियों ने कहा चलो चलो भाग चलो ऊपर, हम चलते हैं पहाड़ियों पे, वहाँ पे हमारी जान बच जाएगी। बोला नहीं नहीं तुम जाओ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे बचाने वाले तो वही हैं, ठीक है तुम लोग क्या बचाओगे। तो उसके बाद फिर थोड़ा और पानी का स्तर बढ़ने लगा, कोई बैलगाड़ी लेके आया क्योंकि अब चल नहीं सकते थे। बोला अरे बाबा बाबा जल्दी आओ चलते हैं हम लोग, ठीक है निकल चलो यहाँ से। बोला नहीं 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 मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तो ईश्वर का भक्त हूँ, वही संभालेंगे, मैंने तो अपना जीवन सौंप दिया है उनको। और पानी का स्तर बढ़ता गया और वो महाशय अपने घर के छत पे चले गए। उसके बाद वहाँ से कोई बोट गुजरी, उसने कहा अरे बाबा बैठ जाओ, लाइफ बोट है, हम तुम्हें पहुँचा देते हैं आगे सुरक्षित स्थान पर। बोला नहीं नहीं हमारे तो भगवान ही रक्षक हैं। और पानी का स्तर ऊपर चढ़ गया, अब उसके घुटनों तक भी पानी आ गया। फिर उसने देखा कि हेलीकॉप्टर मंडराता हुआ आया, रस्सी ड्रॉप किया, ठीक है फौजी हेलीकॉप्टर था। बोला बाबा रस्सी पकड़ लो आ जाओ हम तुम्हें ले चलते हैं। उसने कहा नहीं मेरा विश्वास अडिग है, बचाने वाला सिर्फ हमारा राम है और कोई नहीं है, आप जाओ वही हमारी अभी आएंगे वो हमें ले जाएंगे, उन्होंने अरावत की भी रक्षा की थी मेरी भी रक्षा करेंगे। बहरहाल जो होना था वही हुआ, बाढ़ का पानी बढ़ता गया और वो भाई साहब उसमें डूब गए। डूब के जब मर गए तो पहुँचे परलोक, वहाँ पे भगवान के सामने जब पेश हुए तो बड़ी ज़ोर से शिकायत की कि ये क्या किया आपने, मैं तो आपका भक्त था, मैं आपके भरोसे बैठा हुआ था और आपने मुझे मर जाने दिया। भगवान ने कहा पहले मैंने तुम्हारे पड़ोसी को भेजा तुम्हें बचाने के लिए। किसने भेजा? मैंने भेजा। बैलगाड़ी भेजी तुम्हें बचाने के लिए? मैंने ही तो भेजा। लाइफ बोट भेजा? किसने भेजा? मैंने भेजा। यहां तक कि हमने हेलीकॉप्टर भी लटका दिया तुम्हें उठाने के लिए, फिर भी तुम भाग्यवादी बने रहे और कर्म को भूल गए। तो ये सब हम ही तुम्हें भेजते रहे हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं आता हूं, किसी के माध्यम से आता हूं। अब आप याद कीजिए कि हमारे समाज में डॉक्टर्स को भी भगवान कहते हैं, ये सारे हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स आपसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, अपना एग्जाम्पल शो करते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और समाज को अच्छा बनाने के लिए अपना तन मन धन तीनों तरह से सहयोग करना चाहिए। तो ये डॉक्टर्स नहीं कह रहे हैं, ये भगवान ने उन्हें भेजा है आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद है यू गेट द पॉइंट एंड थैंक यू डॉक्टर्स, आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइज। आप सिर्फ चैरिटी चेक ही नहीं देते हैं, अपना टाइम भी देते हैं, अपने कई सारे स्टेट नेशनल कमिटीज़ के एंगेजमेंट्स को छोड़ करके इस प्रोग्राम के लिए आपने काम किया है और कर रहे हैं, और आपका पैशन दिख रहा है जिस पैशन से आप गा रहे हैं और लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। एवरी सिंगल चाइल्ड इज़ आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स गेट टुगेदर एंड लेट देम विन, गिव देम विंग्स टू फ्लाई। थैंक यू सो मच गाइज। सर आप फिर से अपना, यू कैन ब्लो योर ट्रम्पेट। थैंक यू। सोचा था जाते ही किसी बदसूरत लफंगे से सामना होगा, लेकिन दरवाजा खोले देखता हूँ कि एक दो खूबसूरत आंखें मेरी तरफ घूर घूर के देख रही हैं और मेरा दिल धड़क धड़क के कहता है कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल इनमें है। तो ये थे साहब हर दिल अजीज देवानंद, और उनकी जिंदगी की फिलॉसफी क्या थी? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। और हमारे देवानंद गणेश जी ये गाना आपको गा के सुनाएंगे। Thank you.
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। Having said that, 29th is World Heart Day, and World Heart Day, the theme this World Heart Day is that we have to connect people with our heart. There are two things that we have to do. One is compassion. You can connect people with compassion. The other thing that you can connect with people is digital technology. Digital technology, Corona has brought us a lot of familiarity with digital technology, and now we are going to get 5G also. So I think digital technology and usage of intelligence tips that we all give you is what is going to be the theme for the World Heart Day. To make it simple, I'll just say what are the things that World Heart Day recommends. Easy to remember, avoid various S's in life. As Dr. Subramanian just told you, diabetes, you know, India is capital for diabetes. We should avoid sugar. We take much too much sugar than what is required. Salt, kachori, samosa, all these contains a lot of salt. We have a lot of saturated fats also. These are the things that we should avoid. In addition to that, there are two more S's that I wish to tell you about. One is stress. Stress is, I'm going to talk to you about what is stress and how we can avoid stress. The best way to avoid stress is to have an active life, exercise. Exercise produces endorphins. Endorphins gives you satisfactions. And also compassion gives you satisfaction. So develop a lot of tendency to do exercise and compassion. Then the other thing that is very good, which is very good for your health,
is whereas we should not recommend sleep deficit. Sleep deficit is not good, but at the same time, a sedentary life is not good. So with all these precautions, if you take, I think you will not need any more bypass surgery. Thank you. Over to you, Gulati. थैंक यू सर. आपकी बातें सुन के मुझे मेरे बड़े परम मित्र हैं अशोक चक्रधर, उनकी एक कविता याद आ गई सर कि अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे थे ईजी, क्योंकि गड़बड़ थी उनकी ईसीजी. तो बोले डॉक्टर, पान सिगरेट जर्दा ना खाएं, देर तक जागने वाली जगह पर ना जाएं, अस्पताल में नर्सों की हस्तरेखा ना देखें, दिमाग में दिल के चूल्हे को ना सेकें, पान बीड़ी सिगरेट ना खाएं, तो बाय गॉड आप 90 साल तक जिए. तो बोले गुप्ता जी, ए डॉक्टर, ऐसा जीना भी क्या जीना है, इससे अच्छा तो मरना है. तो मेरे को आपकी बातें सुनकर ये याद आ रही थी कि मैं जीऊं कैसे, सारी चीजें बंद. तो बोले गुप्ता जी, ऐसा जीना भी क्या जीना है, इससे अच्छा तो मरना है. तो बोले डॉक्टर, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए बताई कि मर्ज बढ़ चुका है बेइंतहाई, जितना खा पी चुके उतना काफी है. बहरहाल सवेरे तुम्हारी एंजियोग्राफी है. तो, मैं बहुत ही परम मित्र हैं अशोक चक्रधर जी, उनकी इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं कि किसी मौके पे भी आप चुन के उनको सुना सकते हैं. और अशोक जी अक्सर ये कहते हैं कि यश, तुम्हें मेरे से ज़्यादा मेरी कविताएं याद हैं. तो अशोक जी नमस्कार, अगर कहीं आप ऐसे मुझे नहीं लगता सुन रहे हो तो नमस्ते. तो आगे बढ़ते हैं कि देखिए, माना कि अंधेरा बड़ा घना है, माना कि अंधेरा बड़ा घना है, मगर दीपक जलाना भी कहाँ मना है. सो दोस्त ज्योत से ज्योत जलाते चलो. डॉक्टर मंजू, ज्योत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा, दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. थैंक यू. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. मैं ना उस बात को भूल नहीं पा रहा हूँ, आपने मेरे को इतनी बातें मना कर दी, ये मत करो वो मत करो. तो मुझे एक वो याद आ गया कि वो था, उसने बोला कि देखिए, सिगरेट और बीवियां
बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होती, बस उन्हें सुलगाइए मत। तो इस चीज का अगर ध्यान रखेंगे तो सब ठीक चलता रहेगा। तो देखिए, जिंदगी में एक चीज तो बिल्कुल तय है, एक चीज बिल्कुल तय है कि जिंदगी में कुछ भी तय नहीं, कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं। तो यही जीवन है, ये जीवन है। हाँ जी बिल्कुल, यही जीवन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बनी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम भी बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाहें कतर के देखते हैं। कहानियां ही सही, मुगालवे ही सही, अगर ये ख्वाब है
तो ताबीर करके देखते हैं। तो ये लाइनें मैंने सुब्रा को सुनाई, तो भाई साहब ये भी एक कली के पीछे पड़ गए। तो सुब्रा जी आइए जरा, मैं आपकी अब क्लास लेता हूं कि हुआ क्या उसके बाद। तो अब ये गाना हमें सुनाएंगे कि रात कली एक ख्वाब में आई। ये लाइनें सुनी और इनको इन्होंने ख्वाब लेने शुरू कर दिए। लेकिन मैं ख्वाब से पहले आपको जमीन पे रियलिटी पे लाता हूँ, जहां पे एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, कि आप प्रज्ञा के साथ तो जुड़े ही हैं, आप रोटरी फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। तो आप इन दोनों को कैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपकी क्या विजन है? आप इंडिया में गवर्नर भी रह चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ बनेंगे, प्रेसिडेंट वगैरह, तो आपकी क्या विजन है जरा बताएं। सी, विजन एंड द गर्ल चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं आज। सो आई थिंक टू ऑल द लिसनर्स, आई थिंक हैप्पी डॉटर्स डे। आई थिंक द डॉटर्स ऑफ टुडे are not only the future of the world tomorrow, not only as sisters and mothers and grown up, but you know, they sort of represent eternal love, eternal bond, eternal fondness, and that's what daughters are. So I think for the girls today, from the Rotary's perspective and from the community's perspective, there are three very important dimensions. We were talking about the most important one, which we were talking about educating and empowering the girl child, number one. Number two, we have to look after their health, the disease prevention, the immunization. Do you know, even today in this country and across South Asia, 2,000 children under the age of 5 die every day from preventable diseases. So if you were to immunize every child properly, if every girl child had an opportunity for good toilet facilities, washing hands regularly, a nutritious diet, and when she grows up, when she becomes a mother, during the antenatal period, a good quality antenatal care. So maternal health and child health are very important dimensions of Rotary. Similarly, water sanitation and hygiene is important. Education is very important, but we also add several other dimensions. You know, Rotary has 7 areas of focus, which includes community development in terms of economic development. It looks at peace, world peace and conflict resolution. You know, here we are talking about peace not as a end of war. It's peace starting from home. The child, the girl child or the woman at home feels safe at home from domestic abuse. She feels empowered to get equal salary for equal jobs. She feels empowered to share her opinions. And to me, the most important empowerment, the girl child should have a right to say no. Yes. Yes. When a girl child says no to a touch, it means no to a touch. Exactly. So Subhra, fortunately in our lives, we have empowered our wives a lot. We are totally governed by them. So I think others can follow the suit. Yeah. You know? And you know, I have decided in my own mind, in future, whatever happens, I would never work towards disempowerment of women. I might consider working for re-empowerment of men at some time. I tell you, with your story and my story, we need to work on that. And लेकिन सुब्रा, ये सारी बातें तो थ्योरी की तुमने बता दी हैं और जो मतलब ठीक है, लेकिन वो कहानी क्या है कि वो जो कली कमसिन ख्वाब में आई, वो क्या है? चलो तुम गा के बता दो यार। You know, this to me is one of the most beautiful romantic numbers ever written. And I'm very happy because the hero of this song used to live 2 houses away from us in the 70s. Who was the hero? Naveen Vishwas. Mm-hmm.
रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे गसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे गसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमी पर, सीने में क्यों झनकार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। आँखों में काजल और लटों में काली गटा का बसेरा, सांवली सूरत मोहिनी मूरत, सावन रुत का सवेरा। जब से ये चेहरा दिल में खिला है, दुनिया मेरी गुलजार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यही थी और मैं आ गई। I would like to sing something from the movie Anupama. Kuch dil ne kaha ता
सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा सबब झूठा निखार। जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार। कलियों से कोई पूछता हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती है, ऐसी भी बातें होती है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं। I have to say this song in Anupama actually shows us how a suppressed child, a female suppressed child grows up. And the story was all about that. Thank you. Lalita, allow me to say with everybody's permission, this is the song of the evening. Thank you so much. Love you, Lalita. Love you, Lalita, so much. Thank you. Thank you. Over to you, Subhra. This is one of our most romantic duets of the 70s. Not only represents great lyrics and music, and also the power of echo. कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा, कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा, सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा,
टूट न जाए सपने, मैं डरता हूँ नित दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने, मैं डरता हूँ निप बिन सपनों में देखा करता हूँ। मैं न कजरा रे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, बस गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। निंदिया गवाई सारी सारी राजागू धूम दुहाई, चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी राजागू धूम दुहाई। करो क्या तारा था ये मन मेरा, बन गया चांद होके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आ वंडरफुल वंडरफुल। ललिता, मैं हमेशा कहता हूँ तुम सुर की ज्ञानी हो और तुम्हारी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है, और रियली तुम बिल्कुल ऐसा सुर में गाती हो कि मज़ा आ जाता है मुझे सुन के। आई एम योर फैन बाय द वे, मैं आपका फ़ैन हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, वेल यू बेटर बी। कि लोग कहते हैं वो अपने चेहरे को जाली के नकाब से छुपाते हैं, लोग कहते हैं वो अपने चेहरे को जाली के नकाब से छुपाते हैं, मगर हकीकत तो ये है वो अपने हुस्न का जाम छान छान कर पिलाते हैं। तो ऐसी एक हसीना से श्रीधर की मुलाकात हो गई, थी अजनबी लेकिन एक अजनबी हसीना से, नकाब में थी या बिना नकाब के? बिना नकाब। चलो फिर यूं ही मुलाकात हो गई। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
वो अचानक आ गई यू नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। वो अचानक आ गई यू नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चांद। चेहरे पे ज़ुल्फ़े बिखरी हुई थी, दिन मेरा हो गई एक अजनबी, हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर, होता मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खफा वो जाने हया हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। थैंक यू। नूपुर, श्रीधर, हसीना तो आ गई। अरे सर वो अजनबी थी और वो भी नहीं, अजनबी तो फिर बन गई ना जान पहचान वाली, यही थी कोई और था? बेटर यू सेड, अदरवाइज बेटा घर जाके बहुत मार पीटने वाली है। नूपुर ये बताओ कि आप दोनों डेंटिस्ट कपल हो, आप लोगों के दांत कभी ठीक कर देते हो, कभी शाइन कर देते हो, कभी नया डाल देते हो, तो सब तो चल ही रहा है ना, वो तो मेन प्रोफेशन हम सब लोगों का है ही है, तो फिर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली कि आप गर्ल चाइल्ड के लिए प्रज्ञा फाउंडेशन के साथ कैसे जुड़ी और क्या आपका उसका नज़रिया है? ऑनेस्टली आपको बताएं सर, जज्बा दिल में था लेकिन जरिया नहीं था, हमें मालूम नहीं था कि हमें क्या करना है, करना हम ज़रूर चाहते थे, तो उसका पूरा क्रेडिट मैं कहूँगी कि सिन्हा सर को जाता है। उनकी पॉजिटिविटी, उनके अंदर की जो उनका जो जोश है, इट लिटरली रब्ड ऑन टू अस। और हमने जब वंस वी मेट हिम, वी हर्ड हिम, देन वी वेंट टू द सेंटर, एंड व्हेन यू सी दोज प्योर स्माइल्स एंड दोज स्पार्कल इन दोज आईज, आप रोक नहीं सकते अपने आप को, आप अपने आप ही जुड़ जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे लिसनर्स एक बार कोशिश करें, एक बार आगे बढ़ें, आपके अंदर वो आपको खुद ही आप उसको रीडिस्कवर कर लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। यू नो यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द चिल्ड्रन, एंड माइंड यू इट्स नॉट यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। आप वहाँ जाते हैं तो आप बहुत कुछ लेकर आते हैं वहाँ से, यू एक्चुअली कैरी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विद यू व्हेन यू गो होम, सो दैट्स हाउ वी आर देयर। हाँ, जीवन में अपने अंदर की सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ पैसे कमाने से आती नहीं, वो और अच्छे काम करने से आती है। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छा काम कर सकते हैं किसी चीज़ में भी, तो फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, और साथ मिलके हम चल सकें और साथ मिलके कोई अच्छा काम कर सकें, और अपने माशरे में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हम कुछ उनको अपलिफ्ट कर सकें, तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना, अच्छा काम करना और साथ मिलके चलना तो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भी उस बात से दो लाइन याद आ रही हैं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चिराग राह में जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें, हवा के रुख भी बदल गए। हम सब इकट्ठे चलें तो हवा के हम रुख भी बदल सकते हैं, जो ये हमारे माशरे में ये जो गलत धारणाएं हैं कि
जो गर्ल है या वुमेन है वो कम है, वो उसको हम बदल सकते हैं और बदलना चाहिए, क्योंकि ये सच नहीं है। ये एक फिजिकली स्ट्रांग जो है एनिमल ही हैं हम लोग, एक स्ट्रांगर एनिमल ने, फिजिकली स्ट्रांगर एनिमल ने दूसरे को सप्रेस किया, उसको हमें हटाना ज़रूरी है। तो इसी भावना से मैं आपका अगला गाना इंट्रोड्यूस करता हूँ कि जब कोई बात बिगड़ जाए, जो ये बिगड़ी हुई थी उसको हम ठीक करेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा, हम भी एक दूसरे का साथ देंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। ये बच्चों के लिए मैसेज है, आप सबके लिए मैसेज है कि जब भी कोई बात बिगड़ जाए तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा। कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। थैंक यू। मैं एक बार फिर से डॉक्टर यश गुलाटी को बुलाना चाहूंगी।
ओवर टू अपनी दास्तान सुनाने के लिए. बेहतरीन यश, बेहतरीन. आओ, ये दुनिया उसी की, वाकई ये दुनिया उसी की जो दिल हो गया किसी का. थैंक यू यश. हम अपने आखिरी पड़ाव पे हैं और हम अपने सारे ये जो सात अजूबे हैं इस दुनिया के, ये डॉक्टर्स, मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि हम सब मिल करके आपको एक ऐसे जहाँ मिले चलें जहाँ गम की कोई गुंजाइश ही ना रहे. लेकिन ये तभी हो सकता है जब हर एक इंसान खुश हो. एक भी इंसान ना खुश होगा तो इसको वो मुकाम हासिल नहीं हो सकेगा. तो लेट्स कम टुगेदर. आप जहां भी बैठे हैं साथ में हमारे गाइए, गुनगुनाइए और एक तरह से दिल में ये प्लेज भी कीजिए कि हम एक दूसरे के साथ यही करने वाले हैं. थैंक यू आरके. Yash, that was an amazing saxophone, apart from such wonderful way you conducted the evening. Yeah. But now, you know, I think the common bond for all of us remains the same. So we're just going to symbolize the quintessential part of this program. Sapno ke aise jahan mein जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा न कोई गिला हो, कोई गैर न हो, कोई बैर न हो, सब मिलके ही चलते चले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार भले. आ चलिए
प्यार ही प्यार पले पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली के किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे चंदा के किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे कभी धूप मिले कहीं छाँव मिले लंबी सी डगर न खले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसी गगन के तले ऐसी गगन के तले एक ऐसी गगन के तले थैंक यू सो मच लव यू गाइस Love you guys, and can I request Neelam to please come in? And Neelam, are you there? And we are waiting. I'm very much there. I've been enjoying every minute of this show, and I just want to express that you know we've always venerated and respected doctors and all members of the medical fraternity for their selfless service to society, and in these testing COVID times, I think. Perhaps they have been our only beacon of hope. So today, after hearing our dear friends perform for Pragya, our admiration for them has increased manifold. And Pragya Foundation can only express gratitude to these wonderful seven doctors who have not only entertained us, but also given us so many tips for our well-being. This program could not have happened, as Subhra said, on any day better than today, which is Daughters' Day. And therefore, it's so closely linked to the cause of Pragya Foundation. Let me thank Padmashri Shri Dr. Ganesh Mani and Dr. Manju Mani, Dr. Subramaniam and Dr. Lalita Krishnan. In fact, this event is being hosted at their place, so thank you very much. Dr. Sridhar Krishnan and Dr. Nupur, Padmashri Dr. Yash Gulati, whose anchoring has been so delightful. His anecdotes and his shayari has just taken everything to another level altogether. And of course, the saxophone playing. So amazingly wonderful evening, sort of steered by you, Dr. Saab. And our Goodwill Ambassador, Supriya Joshi, for supporting the event and for providing invaluable inputs to our musicians, Kavi on the keyboard and Pankaj on tabla and dholak and octopad, and sound, Jyoti Upadhyay, and all the staff members and student volunteers who work so tirelessly behind the scenes for promoting the event, all our generous donors and participants, of course, the audience for their motivation and encouragement, and last of all, but never the least, RK and Vandana for their commitment and their effort and their unceasing desire to do all the best for the girl child. They are truly, truly inspiring. God bless you all. Stay safe and thank you for a wonderful, wonderful evening. Yeah. Thank you, Neelam. You speak so well. आपने इतने अच्छे से सबका शुक्रिया अदा किया है. आपका शुक्रिया. मजा आया इन सबका गाना सुन के. मुझे बहुत सी यादें ताजा हो गई और बस इसी तरह गाते रहे जिंदगी इसी तरह गाते गाते गुजरे एक दूसरे की मदद करें एक दूसरे के साथ रहे. थैंक यू नीलम. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे से आपने शुक्रिया अदा किया है. इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड इसी के साथ जितने लोग यहाँ दर्शक हैं जो हमारे सपोर्टर्स हैं डोनर्स हैं इंक्लूडिंग दीज पीपल अराउंड मी हम सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं अगले महीने लास्ट संडे ऑफ द मंथ 31 अक्टूबर को
हमारी मुलाकात यूं होगी क्योंकि हम सबका एक कनेक्शन बना हुआ है और इस कनेक्शन को डिवाइन कनेक्शन भी कहते हैं, तभी हम और आप यहाँ पे हैं। तो अगला प्रोग्राम इसी थीम पे है, हेलो जिंदगी का डिवाइन कनेक्शन। सो लेट्स मीट अप ऑन 31st अक्टूबर, वही टाइम शाम के 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, होप टू सी यू गाइज अगेन, थैंक यू।